हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लोग नोटिफाइड डिजिट्स पढ़ने वाले हैं अंडर द माइंस एक्ट 1952। बट आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा माइंग टेक्निकल ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, माइंग टेक्निकल सर्च करें और वहां से हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, जहां पर आपको इस वीडियो की तो पीडीएफ मिलेगी ही मिलेगी, प्लस इसमें वीडियो, स्टडी मटेरियल्स और क्विजेस भी मिल सकता है। साथ ही साथ आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अराउंड 40% जो आप लोग देख रहे हैं उनमें से सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको यूजफुल कंटेंट बराबर से मिलते रहे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि आज का कंटेंट क्या होने वाला है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो टॉपिक होगा वो नोटिफाइड डिजीज होगा, तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नोटिफाइड डिजीज के नाम क्या हैं, इन डिजीज के कारण क्या हैं और कौन से जो ऑर्गेन्स हैं वो अफेक्टेड होते हैं, और इस नोटिफाइड डिजीज का नोटिफिकेशन का डेट क्या था, यानी कब केंद्र सरकार ने इस बीमारी को नोटिफाइड डिजीज की श्रेणी में रखा था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिलिकोसिस से। तो ये जो बीमारी है सिलिकोसिस, ये एयरबॉर्न रिस्पिरेबल डस्ट को इनहेल करने के कारण होती है। जब ड्रिलिंग कर रहे हो, सॉर्टिंग कर रहे हो, साइजिंग कर रहे हो, क्रशिंग कर रहे हो, या फिर रॉक या मिनरल का माइंस में लोडिंग या ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, तो उसके कारण जो रिस्पिरेबल एयरबॉर्न डस्ट जो हम लोग इनहेल कर जाते हैं उसके कारण सिलिकोसिस हो सकती है। और इसमें जो अफेक्टेड ऑर्गन्स है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो लंग्स है, फेफड़े हैं। और इसके बारे में जो नोटिफिकेशन जारी किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो 21 जुलाई 1952 में इसका नोटिफिकेशन जारी किया था। अब दे सकते हैं नोटिफिकेशन का नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डिजीज है वो है न्यूमोकोनियोसिस, जिसका कारण है एयरबॉर्न रिस्पिरेबल कोल डस्ट को इनहेल करना, ड्रिलिंग, सॉर्टिंग, साइजिंग, क्रशिंग, लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल इन कोल माइंस के कारण, ठीक है। यानी जब कोल माइंस में हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, साइजिंग करते हैं, क्रशिंग करते हैं, और कोयला का जब लोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो उसके कारण जो हमारा एयरबॉर्न रिस्पिरेबल डस्ट है वो अगर शरीर के अंदर चला जाता है तो इसके कारण न्यूमोकोनियोसिस होता है। आप देख सकते हैं ये जो हमारा अफेक्टेड ऑर्गन है यहाँ पे वो लंग्स है, यानी फेफड़े हैं। इस बीमारी में हमारे फेफड़े जो है वो अफेक्टेड होते हैं, और इसका डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो है वो है 21 जुलाई 1952। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट नोटिफाइड डिजीज है वो है मैग्नीज पॉइजनिंग नर्वस टाइप। तो ये जो बीमारी है ये होता है जब हम लोग मैग्नीज एयरबॉर्न रिस्पिरेबल डस्ट को इनहेल कर जाते हैं वाइल ड्रिलिंग, शॉर्टिंग, साइजिंग, क्रशिंग, लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैग्नीज इन मैग्नीज माइंस, यानी मैग्नीज माइंस में जब भी मैग्नीज डस्ट हम लोग इनहेल कर जाते हैं, ड्रिलिंग के कारण हो सकता है वो, सॉर्टिंग के कारण हो सकता है, साइजिंग के कारण हो सकता है, क्रशिंग या फिर लोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन जो मैग्नीज का होता है उसके कारण हो सकता है कि हम लोग एयरबॉर्न रिस्पिरेबल मैग्नीज डस्ट इनहेल कर जाएं। तो इससे जो बीमारी होता है, इससे जो नोटिफाइड डिजीज होता है उसका नाम है मैग्नीज पॉइजनिंग। और इसमें जो अफेक्टेड ऑर्गन होता है ना वो होता है नर्वस सिस्टम, यानी हमारा जो ब्रेन सिस्टम है वो इसमें अफेक्टेड हो जाता है। इसका डेट ऑफ नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं 18 दिसंबर 1956। नेक्स्ट जो हमारा नोटिफाइड डिजीज है वो है एस्बेस्टोसिस। आप देख सकते हैं इस तरह से एक्सरे किया गया है कि एस्बेस्टोसिस इन्फेक्टेड कोई पर्सन है, उनका एक्सरे किया गया है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे रिपोर्ट सामने आई है। तो इसका जो मेन काउज है वो है इनहेलेशन ऑफ एयरबॉर्न रिस्पिरेबल एस्बेस्टस डस्ट, यानी एस्बेस्टस एयरबॉर्न रिस्पिरेबल डस्ट को अगर इनहेल करते हैं वाइल ड्रिलिंग, शॉर्टिंग, साइजिंग, क्रशिंग, लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एस्बेस्टस इन एस्बेस्टस माइन, तो उसके कारण ये बीमारी होती है। इसमें जो हमारे ऑर्गन जो अफेक्टेड होता है वो होता है लंग्स यानी फेफड़े। और इसका डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया था इसको वो है 26 जून 1986। तो नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, वो है कैंसर ऑफ लंग्स और कैंसर ऑफ स्टमक और प्लीवरा एंड पेरिटोनियम मेसोथेलियोमास, ठीक है। तो इस ये बीमारी जो है इसको भी नोटिफाइड डिजीज की श्रेणी में रखा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो बीमारी है वो कब होता है, जब हम लोग एयरबॉर्न रिस्पिरेबल फाइबरस डस्ट पार्टिकल्स को इनहेल कर जाते हैं। ये अगर फाइबरस डस्ट पार्टिकल है एयरबॉर्न, ये अगर हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाती है तो इनसे ये बीमारी हो सकती है। और इसमें
हमारे या तो स्टमक यानी पेट इन्फेक्ट हो सकता है या फिर लंग्स, ठीक है, फेफड़े इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसका डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्या था, अगेन सेम था, 26th of June 1986। सेकेंड लास्ट जो हमारा नोटिफाइड डिजीज है आज के इस वीडियो का, वो है नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। ठीक है, ये कब होता है, जब किसी माइंस में जो चल रहा मशीनरी है या जो प्लांट्स है उसके नज़दीक कोई वर्कर काम करता है और वहाँ पर जो इसका नॉइज़ है चलने वाली मशीनरी या प्लांट्स का, वो अगर एक्सेसिव नॉइज़ है तो उसके नज़दीक में काम करने से क्या हो सकता है कि हमारे जो कान हैं वो अफेक्ट हो सकता है, उससे हमें सुनने की शक्ति में कमी आ सकती है। तो इसी को हम लोग नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस बोलते हैं। इसका डेट ऑफ नोटिफिकेशन जारी किया गया था 21st of February 2011। अगेन जो हमारा सेकेंड लास्ट नहीं, ये हमारा सेकेंड लास्ट है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ठीक है, नोटिफाइड डिजीज। तो ये जो डिजीज़ है वो केमिकल्स को हैंडलिंग करने के कारण ये होता है, खान में केमिकल्स को कभी ले जाना हो गया या फिर इसको एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट करना हो गया या फिर किसी तरह से अगर हम हैंडलिंग करते हैं माइंस में, ठीक है, या फिर माइंस का स्टोर हो गया, प्लांट्स हो गया, वर्कशॉप हो गया, तो इसके कारण अगर हम लोग कॉन्टैक्ट आ जाते हैं केमिकल का, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आ जाता है हमारा कोई भी बॉडी पार्ट, तो उससे ही बीमारी होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्किन में इस तरह के रैशेस बन जाते हैं, ठीक है। इसमें जो अफेक्टेड ऑर्गन होता है वो हमारा हैंड्स का स्किन होता है, हाथों का जो त्वचा है वो इसमें इन्फेक्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर जो लेग्स का जो त्वचा है वो इन्फेक्ट हो सकता है, या फिर कोई दूसरे बॉडी पार्ट है जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट केमिकल के साथ आए थे, वो उसमें ये जो ऑर्गन है वो अफेक्ट हो सकते हैं। इसका डेट ऑफ नोटिफिकेशन जानते हैं, इसका डेट ऑफ नोटिफिकेशन है 21st of February 2011। एंड लास्ट जो आज का वीडियो का जो नोटिफाइड डिजीज है वो है पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू रेडियम और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। इसका कारण है रेडिएशन, ठीक है। तो जब कभी भी कोई पर्सन किसी रेडियो एक्टिव मिनरल या मटेरियल के पास काम करता है या रेडियो वैसा माइंस में काम करता है जहाँ पर रेडियो एक्टिव मिनरल का एक्सट्रैक्शन होता है या रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन या कुछ भी होता है, तो उससे ही उसकी रेडिएशन से, उस रेडियो एक्टिव मिनरल या मटेरियल का रेडिएशन से ये बीमारी हो सकती है। इसमें जो अफेक्टेड ऑर्गन होता है वो शरीर के कई पार्ट्स हो सकते हैं, इंटरनल हो सकता है, इंटरनल ऑर्गन हो सकते हैं, अंदरूनी जो शरीर के ऑर्गन होते हैं वो हो सकता है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी यहाँ पे अफेक्ट होते हैं। इसका डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्या है, इसका डेट ऑफ नोटिफिकेशन है 21st of February 2011। तो आप देख सकते हैं 2011 में तीन डिजीज को नोटिफाइड किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एक है पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू रेडियम और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, सेकेंड था कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एंड थर्ड था नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। तो ये हुआ इस वीडियो का एंड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो नहीं किया अभी तक तो आप जाएं, फेसबुक में आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी एंड ट्विटर में भी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, टिल देन एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।